केशव पांडे जी भी जुड़ गए। डॉक्टर केशव पांडे जी, मैं अभी आपसे भी समझना चाहूंगी कि कौन सी वो प्रमुख सुर्खियां हैं जो आज अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। ग्वालियर में प्रमुख खबरों में ये है कि ग्वालियर में जिले में 10,000 बेड की जरूरत है पर अभी केवल 3,413 बेड है। शेष के लिए नर्सिंग कॉलेज की जांच की जा रही है। ग्वालियर का एक बड़ी खराब खबर है जो आज छपी है, भास्कर ने पहले पेज पे दी है, फ्रंट पेज पे। ग्वालियर पुलिस भ्रष्टाचार व कायदे तोड़ने में सबसे आगे हुई है। भोपाल में और इंदौर से भी उसने अपना नंबर मारा है। ग्वालियर में 9 माह में 166 पुलिस कर्मियों पर इन सब चीजों को लेके कार्रवाई हुई है, ये चिंताजनक खबर है। इसके अलावा कोविड में जिले में केवल एक केस सामने आया है और 11 केस एक्टिव पाए गए हैं। अब जिले में एक अधिकारी की जगह, नोडल की जगह 10 अधिकारी काम करेंगे। कल सड़कों पर सांसद, ग्वालियर के आईजी, कलेक्टर, एसपी सभी अधिकारी निकले और बाजारों में उन्होंने कोविड गाइडलाइन को पालन करने के लिए अनुरोध किया है। ये एक खबर बनाई गई है, भास्कर ने काफी डिटेल खबर बनाई है। और ग्वालियर में कोविड नियमों के उल्लंघन में पूर्व पार्षद पद सहित 28 लोगों पर FIR भी हुई है। थर्ड वेव की तैयारियों पर नजर रखी जा रही है और लापरवाह जो नर्सिंग कॉलेज है उन पर FIR की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा ग्वालियर में वायुमंडल सुधार के लिए शहर के चौराहों पर 7 स्मॉग टावर लगाए जाएंगे। ये केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को निगम ने एक योजना भेजी है जिसमें 286 करोड़ रुपए खर्च होने। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश शासन ने अभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का जो विधानसभा में पारित किया है कानून, उसके तहत ग्वालियर में 429 अवैध कॉलोनियों को वैध होने का रास्ता साफ हो गया है। 5,000 निर्माण भी वैध हो सकेंगे, ये इसमें प्रमुख खबर है। इसके अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं बाबू जगजीवन राम की को श्रद्धांजलि दी गई है, ये भी अखबारों ने जगह दी है। आयुक्त स्कूल शिक्षा और DEO सुप्री पर लगाए गए 50,000 के जुर्माने को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। अवमानना प्रकरण में ये फैसला लिया गया है। एक विधवा शिक्षक पत्नी को उसके स्वतः भुगतान नहीं किए गए थे, उसको लेकर ये मामला सामने आया है। भिंड में एक अच्छी खबर है कि जो बागियों के लिए आश्रम काम करता था, जहाँ 49 साल पहले 577 बागियों ने अपना आत्मसमर्पण किया था, वहाँ जो महिलाएं हैं गर्भवती उनके पोषण के लिए वहाँ सामग्री वितरित की जा रही है, ये एक पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा दिलीप कुमार जी की खबर यहाँ अखबारों में दिखाई नहीं दे रही है, हो सकता है कि बहुत लेट नाइट उनका निधन हुआ हो, लेकिन सोशल मीडिया पे ये काफी वायरल हो रही है और ट्रेजेडी किंग के जाने से, दिलीप कुमार के जाने से फिल्म इंडस्ट्री में काफी शोक की लहर है और पूरे देश में भी एक अच्छे कलाकार का जाना सबके लिए दुख का कारण बना हुआ है और इसकी चर्चाएं जगह जगह हो रही है।